नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा है कि बीजेपी की ओर से भ्रष्टाचारी पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई करना और उन्हें निलंबित करना सिर्फ एक नौटंकी है। भ्रष्टाचार के चलते बीजेपी से 6 साल के निलंबित पार्षद संजय ठाकुर पर बीजेपी के सांसदों को गर्व है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद 19 सितंबर को संजय ठाकुर समेत 3 पार्षदों को महज एक दिखावे के तौर पर पार्टी से बर्खास्त किया है। निष्कासित करने के चंद दिनों के भीतर ही बीजेपी के 3 सांसद मनोज तिवारी, रमेश भिदुड़ी और अनिल जैन संजय ठाकुर की ओर से आयोजित छठ आयोजन में शामिल हुए और संजय ठाकुर का गुणगान किया। एमसीडी में बीजेपी पार्षदों के भ्रष्टाचार के तार उनके वरिष्ठ नेतृत्व से जुड़े हुए हैं। 19 सितंबर को भाजपा ने अपने 3 पार्षदों को पार्टी से बर्खास्त किया भ्रष्टाचार के आरोपों पर। एक उनमें से एक चिट्ठी सामने है कि 19 सितंबर को पार्षदों को भ्रष्टाचार करने के लिए बर्खास्त किया गया और बिल्कुल यही इस चिट्ठी में लिखा है। इनमें से एक पार्षद है माननीय संजय ठाकुर जी, जो 71S सैदुला जाग वार्ड जो छतरपुर विधानसभा में पड़ता है वहां से पार्षद हैं। और मैं उनकी जो ये जो चिट्ठी है जो उनपे कार्यवाही हुई उसे पढ़ के सुना रही हूँ। श्री संजय ठाकुर, पार्षद सैदुजला दक्षिण दिल्ली नगर निगम, आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके खिलाफ जनता की अत्यधिक आर्थिक भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण आपको 6 वर्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी की साधारण सदस्यता से निलंबित किया जाता है। बढ़ते आगे, देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में अखिल भारतीय परिवार पार्टी की दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की प्रभारी प्रियंका पासवान ने सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रियंका पासवान की मांग है कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लोग काफी परेशान हैं, केंद्र सरकार को इस समस्या का निदान करना चाहिए। आज हम लोग ने पीएम आवास के बाहर में वहाँ पे आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया पीएम मोदी का पुतला फूंका और उनसे ये मांग की कि आपने कहा था कि हम लोग बीजेपी की सरकार जब आ जाएगी आप इस मुद्दे पे आए थे कि आप 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, लेकिन जब से आप आए हैं नौकरियाँ सिर्फ खा ही रहे हैं और नौकरियाँ सब लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चाय बेचने लगे हैं इस नाम से कि एमए चाय वाली, आप लोगों ने सुना होगा एमए चाय वाली करके वो चाय बेचने लगे। तो साउथ दिल्ली के जनकपुरी के मिलाप नगर वार्ड में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुभाष मग्गो ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर हजारों लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सुभाष मग्गो ने बताया कि क्षेत्र की समस्याओं के निपटारे के लिए इस कार्यालय को बनाया गया है। चलाते थे अपने तन मन धन से पूरी लगन से रात दिन सेवा करूंगा, आधी रात भी कोई याद करेगा। हर होर्डिंग पे मेरा मोबाइल नंबर है, हर होर्डिंग पे मेरा मोबाइल नंबर है, कभी भी किसी को कोई जरूरत पड़े आधी रात भी मेरे को फोन कर सकता है। मेरा फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता, किसी को भी, मेरे बहन को, भाई को, बच्चे को, माता को, किसी को भी जरूरत पड़े तो आपका भाई आज पूरी जिंदगी आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। आपका इतना प्यार देख के तो मैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है भी आपका किस तरह। तो राजधानी दिल्ली में डेंगू का कहर जारी है, मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। इसी को लेकर आज न्यूज वन इंडिया ने बाबू जगजीवन राम अस्पताल का दौरा किया और डेंगू को लेकर अस्पताल की तैयारियों का जायजा भी लिया।
मैं 12 तारीख की शाम को एडमिट हुआ था और नीचे इमरजेंसी से फिर मेरी प्लेटलेट्स कम आई रिपोर्ट में, तो मुझे फिर यहाँ पे वार्ड में 3 नंबर वार्ड में भर्ती करवाया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ सर का और पूरे स्टाफ का, बहुत अच्छी सुविधाएं, अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम मेडिसिन, टाइम टू टाइम चेकअप, इलाज। हमारे लिए ओपीडी और इनपेशेंट, इसमें इनपेशेंट में कम से कम 9 बेड हमने रिजर्व कर रखे हैं। इनके बाद भी अगर पेशेंट होते हैं तो उनको जनरल वार्ड में हम उनको रखते हैं। हर तरह की दवाइयाँ, आईवी फ्लूइड्स, हर चीज़ का अरेंजमेंट हमने कर रखा है। सर कितने पेशेंट अभी तक आए हैं जब तक, जब से डेंगू का जो प्रकोप शुरू हुआ? टोटल तो रिकॉर्ड सेक्शन ही बता पाएगा। डेली ओपीडी में 50 से 60 पेशेंट फीवर, बॉडी वेक, सस्पेक्टेड डेंगू के आते हैं, जिसमें से 5 से 6 पेशेंट भर्ती। राजधानी दिल्ली में राहगीरों को लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1 कार, 14 मोबाइल, लैपटॉप, बाइक और स्कूटी बरामद हुई है। जिले की DCP उर्विजा गोयल के मुताबिक पकड़े गए आरोपी दिल्ली में कई और जगह भी इस तरह की आपराधिक वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पंजाबी बाग थाना पुलिस को शिकायत करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। अरुण और अभिषेक नाम के आरोपी गिरोह के मास्टरमाइंड है। पुलिस ने पूछताछ के दौरान आरोपियों से और कई वारदातों का खुलासा भी किया है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पंजाबी बाग थाने ने एक रॉबर्स के गिरोह को अरेस्ट किया है, जो अनसस्पेक्टिंग राहगीरों को अपनी अर्टिगा गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने से बैठाते थे और उसके बाद चोक लगा करके और उनका मोबाइल, पैसे, पर्स, बैग, जो भी कुछ उनके पास होता था वो छीन लेते थे। इस तरीके की कई घटनाओं को ये रॉबर्स अंजाम दे चुके हैं। पंजाबी बाग थाने की टीम ने ट्रैप लगा करके 7 रॉबर्स को अरेस्ट किया है, जो जिनके नाम है अभिषेक कुमार, अरुण शर्मा, निखिल, प्रेम, अंशुल और अरुण। इसमें से अरुण और अभिषेक जो हैं, ये इस पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड थे, जिनकी प्लानिंग के तहत ये लोग इस तरीके से राहगीरों। दिल्ली के लक्ष्मी पार्क की बात करेंगे तो वहाँ पर उस इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में अचानक सिलेंडर में आग लग गई। हादसे में घर में मौजूद पति पत्नी और 2 बच्चे आग में झुलस गए, जिन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के मधुबनी जिले की दुलारी देवी ने घरों में झाड़ू पोछा करते हुए हमेशा अपने अंदर के हुनर को जीवित रखा और पद्मश्री तक का सफर तय किया। इस महीने 9 नवंबर को ही उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके हुनर के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा। मौजूदा समय में दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित व्यापार मेले में दुलारी देवी लोगों को मधुबनी पेंटिंग का लाइव डेमो दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल किशोर, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूं प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर के अंदर, जहां हमारे साथ पद्मश्री से नवाजी गई दुलारी जी हैं, जो बिहार से हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या आपको पता था कि इस तरीके का पुरस्कार आपको मिल रहा है? सबसे पहले राष्ट्रपति के धन्यवाद दै छिए जे कि हमरा पद्मश्री भेटल है। गरीब गुरबा लोग के तक तक गाँव गाँव से ढूंढ कर जे दिलखिन, हम सब तो गरीब परिवार पर से छे। आ सबसे धन्यवाद दे छे मोदी जी के, जे हमरा मने सबके मने गरीब लोग के देखे छथिन, सब चीज के सुविधा दे छथिन। अखन बहुत खुशी हो जे हुनका से भेंट केलो मैं। कैसे पता लगा कि कैसे बाहर आई कि आपकी कला जो पेंटिंग करी, किस तरीके से लोगों को पता लगा, किस तरीके से? हम जे पहले हम सब गरीब परिवार से छे, हम सब मलाह छे, मछुआरा परिवार से, तो हमरा सबके जे मजदूर करे छलिए, पहले मजदूर के काम धान रोपे छलिए, लोग घर में काज करे छलिए, खास कर पद्मश्री महासुंदरी देवी घर में काज करे छलिए, जे के 6 रुपया महीना रहे। और कर्पूरी देवी छलखिन तिनका एठम रहे छलिए, हुनका सबके काज मां जे का माने छलिए था, जे भेदभाव नहीं बुझे छलखिन। आ हुनका लग हम 25 साल रहलहुँ, अखन छथि नहीं तो बहुत खुशी होते जे हमरा पद्मश्री भेटल है तो कला के लिए। तो ये थी हमारे हमारे साथ, हमने इनसे बात करी है, बिहार की दुलारी जी, प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर लगा हुआ है ये भी यहाँ पर आई हुई है और हमने इनसे बात करी है किस तरीके से जो लोगों को ये सराहना करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली।
तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके दी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। हालांकि यह अधिक सार्थक तब होगा अगर पड़ोसी राज्यों के अंतर्गत आने वाले NCR में भी लॉकडाउन लगा दिया जाए। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से बेकाबू होते हालत पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने दो बड़े निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को तत्काल कदम उठाने के लिए कहा ताकि दमघोटू हवा से बेहाल लोगों को जल्द राहत मिल पाए और दिल्ली NCR में सांसों पर मंडरा रहा खतरा भी कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NCR से जुड़े संबंधित राज्यों को निर्देशित किया है कि वो बेकाबू होते हालात से निपटने के लिए कुछ वक्त के लिए वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए केंद्र को आपात बैठक बुलाने के लिए कहा है जिसमें दिल्ली, पंजाब और हरियाणा शामिल है। इन सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत में प्रदूषण से निपटने के लिए तीन विकल्प पेश किए। पहले विकल्प के तौर पर ऑड इवन का विकल्प रखा गया है। दूसरे विकल्प के तौर पर ट्रकों की एंट्री को बैन करने का सुझाव दिया गया है और केंद्र ने आखिरी विकल्प के तौर पर लॉकडाउन लगाने का फॉर्मूला सुझाया है। वहीं दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो प्रदूषण को काबू करने के लिए पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन NCR में भी ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए। अपने हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा है के स्थानीय स्तर पर उत्सर्जन को काबू करने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के कदम को उठाने को तैयार है। हालांकि इस तरह का फैसला अगर पूरे NCR पर लागू किया जाता है तभी इसका वास्तविक अर्थ होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की खास पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।